हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो अपना जो पिछला टॉपिक था वो पादपों की संरचना के बारे में था, और आज जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है वीडियो है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स, पादपों का प्रारूपीय विविधता, कि पादपीय प्रारूपीय विविधता क्या होती है, पादपों में उनके आवास के आधार पर, उनमें बीजपत्र के आधार पर, उनके भोजन और अलग अलग प्रकार के आवास के आधार पर उनमें विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, तो ये कहलाती है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फॉर्म्स। अब इसका थोड़ा सा अपन इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं कि पादपों में उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया, किस प्रकार के आवास में वो पाए जा रहे हैं उसके आधार पर, आकारिकी के आधार पर, मॉर्फोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं, और शारीरिकी, एनाटॉमी। तो प्लांट्स को अपन मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के आधार पर, आकारिकी एवं शारीरिकी के आधार पर विभिन्न भागों में डिवाइड कर सकते हैं, विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन आवर्तबीजी पादप जो हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, दो भागों में इनको बांटा है। बाहरी तौर से आकारिकी, जो अपन को बाहरी तौर से बाह्य लक्षण जो दिखाई दे जाते हैं वो उनकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है, और एनाटॉमी में इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, जाइलम फ्लोएम, इनकी मूल समहन, इस प्रकार की जो इनकी आंतरिक संरचना वो इनकी एनाटॉमी कहलाती है। तो मॉर्फोलॉजी वे गुण जिनको अपन बाहरी तौर से देख के और पहचान सकते हैं, जिसमें पौधे की प्रकृति, हैबिट, जैसे पौधे को प्रकृति के आधार पर शाक, झाड़ी, वृक्ष, इस आधार पर कई भागों में डिवाइड किया गया है। शारीरिक आकारिकी के आधार पर ये अपन पादपों को उनके आवास के आधार पर डिवाइड करते हैं कि भाई जो प्लांट्स किस आवास में पैदा हुए हैं, किस आवास में उगे हैं, किस आवास में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इस आधार पर भी उनको कई भागों में डिवाइड करते हैं, जिसको अपन अभी अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें पढ़ाएंगे। तो इस आधार पर अपन आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं, आवर्तबीजी पादपों की लगभग 195,000 प्रजातियाँ आज वर्तमान में साइंटिस्टों ने खोज की जा चुकी हैं, ज्ञात हैं। आवर्तबीजी पादपों की 195,000 प्रजातियाँ आज वर्तमान समय में वैज्ञानिक इनको खोज चुके हैं, और इनके आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म को अपन फिर दो भागों में बांटें, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री प्लांट्स एंड मोनोकोट एंड डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। अब देखो द्विबीजपत्री पादपों को अपन उनके पुष्प, फल और फलों के अंदर जो बीज होते हैं, इन बीजों के आधार पर इन पादपों को अपन इस प्रकार से एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों में डिवाइड करते हैं। तो द्विबीजपत्री पादपों के लगभग 240 कुल ज्ञात हैं आज वर्तमान में, डाइकोट्स के, द्विबीजपत्री प्लांट्स के लगभग 240 कुल आज वर्तमान में खोजे जा चुके हैं। इनमें लगभग 155,000 प्रजातियां आज वर्तमान में द्विबीजपत्री आवर्त बीजियों की द्विबीजपत्री पादप प्रजातियां ज्ञात हैं, और एक बीजपत्री पादपों को 45, एक बीजपत्री पादपों को कुलों में विभक्त किया गया है। कितने कुलों में? 45 कुलों में। और द्विबीजपत्री पादपों को कितने कुलों में बांटा गया है? लगभग 240 कुलों में इनको डिवाइड किया गया है। अब कुलों में डिवाइड करने का भी इनका कुछ अपना अपना अलग करेक्टर्स हैं, उनमें कुछ संरचना पुष्पीय संरचना,
बाह्य तौर से उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके आधार पर अपन इन कुलों का डिवाइडेशन करते हैं। तो द्विबीजपत्री पादपों के कितने कुल हैं? 240 कुल। और एकबीजपत्री पादपों के कितने कुल रखे गए हैं? 45 कुलों में इनको डिवाइड किया गया है। और इनमें लगभग 40,000 प्रजातियां इनकी ज्ञात हैं। भाई आवर्त बीजी पादपों को मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया, एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री। एकबीजपत्री पादपों को, आवर्त बीजी पादपों की जो कुल प्रजातियां जिनमें एकबीजपत्री द्विबीजपत्री दोनों हैं, इन दोनों आवर्त बीजी पादपों को 1,95,000 प्रजातियों में डिवाइड किया गया है। 1,95,000 प्रजातियों में डिवाइड किया गया है, जिनमें द्विबीजपत्री प्लांट्स जो हैं, द्विबीजपत्री पादपों को 240 कुलों में डिवाइड किया गया है। कितने कुलों में? 240। जिन 240 कुलों में लगभग 1,95,000 प्रजातियां आज वर्तमान में ज्ञात खोजी जा चुकी हैं। और एक बीजपत्री पादपों के 45 कुल आज वर्तमान में ज्ञात हैं, जिनमें लगभग 40,000 प्रजातियां ज्ञात हैं। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आवर्त बीजी पादपों में आवास के आधार पर अब उनको फिर कई भागों में अपन डिवाइड करते हैं। आवास के आधार पर विभिन्नता, कि प्लांट्स किस आवास में अपनी ग्रोथ करते हैं, किस आवास में अपना जीवन यापन करते हैं, किस क्षेत्र में उग रहे हैं, उसके आधार पर अपन प्लांट्स को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हैबिटेट है ना, आवास के आधार पर। कि आवास के आधार पर अपन प्लांट्स को विभिन्न भागों में डिवाइड करते हैं, जिनमें नंबर एक है हाइड्रोफाइटिक, नंबर एक जलोद्भिद पादप, पहला भाग है, पहला इसका प्रकार है हाइड्रोफाइटिक। जलोद्भिद पादप दूसरा भाग है इसका, जीरोफाइटिक मरुद्भिद पादप। तीसरा है समोद्भिद, और चौथा है शीतोद्भिद। पादप तो देखो, शीतोद्भिद, मिसोफाइट्स, तो इस प्रकार से पादपों को उनके आवास के आधार पर मुख्य रूप से अपन चार भागों में डिवाइड करते हैं। वैसे तो इनकी फिर मृदा की प्रकृति के आधार पर और अपन अलग अलग डिवाइड करेंगे, पर मुख्य रूप से जब आवास के आधार पर कि पादप किस प्लांट्स जो हैं किस प्रकार की प्रकृति में, किस प्रकार के आवास में अपनी सही ग्रोथ कर पाते हैं, तो उसके आधार पर प्लांट्स को मुख्य रूप से चार भागों में डिवाइड किया गया है। जलोद्भिद पादप, मरुद्भिद पादप,
समोद्भिद पादप और शीतोद्भिद पादप। अब अपन इनका एक एक का थोड़ा सा डिटेल से वर्णन देखते हैं कि जलोद्भिद पादप क्या होते हैं। देखो जलोद्भिद पादप क्या कहलाते हैं, जो जल की अधिकता वाले क्षेत्र में जो पादप पाए जाते हैं, जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में जो पादप उगते हैं वो कहलाते हैं जलोद्भिद पादप। ये पादप जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में ये जलोद्भिद पादप हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स जो हैं ये जल की अधिकता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब इनको भी अपन कई भागों में डिवाइड करते हैं। अब वैसे इसमें देखो हाइड्रिला है, एग्जांपल है इसका हाइड्रिला, निम्फिया, सिंघाड़ा, कमल आदि और कई सारे जो जल ये प्लांट्स जो हैं उस क्षेत्र में पाए जाएंगे, या तो वहाँ जल की अधिक मात्रा या फिर अधिक वर्षा लगातार होती है तो अधिक जल की अधिकता वाले जो क्षेत्रों में ये इस प्रकार के जलोद्भिद पादप पाए जाते हैं। अब जलोद्भिद पादपों को भी अपन कई भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक है निमग्न, जलोद्भिद निमग्न जलोद्भिद पादप। निमग्न जलोद्भिद पादप का अर्थ है जल में डूबे हुए पादप। वे पादप जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं वो कहलाते हैं निमग्न जलोद्भिद पादप। ये इस प्रकार के पादप जो जल की सतह के अंदर, जल के अंदर पूर्ण रूप से डूबे हुए पाए जाते हैं ये जलोद्भिद पादप कहलाते हैं। जैसे हाइड्रिला, जैसे हाइड्रिला अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हाइड्रिला एक इस प्रकार का प्लांट्स है जो जल में पूर्ण रूप से, हाइड्रिला वैसे फर्स्ट ईयर में भी अपन देखा होगा, एक इस प्रकार का छोटे छोटे तंतुनुमा इस तरह से संरचना इसकी पाई जाती हैं और इसमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है और लैब में भी अपने मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हाइड्रिला जो होता है पूर्ण रूप से जल में डूबा हुआ रहता है और उसे वैसे अपने अलवर के सिलिशेट झील में इनकी मात्रा खूब अधिक है। हाइड्रिला ये निमग्न जलोद्भिद पादपों की श्रेणी में आता है क्योंकि ये पादप जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए रहते हैं। और दूसरा इसका भाग है प्लावन जलोद्भिद, प्लावन जलोद्भिद पादप। प्लावन का अर्थ है तैरने वाले जलोद्भिद पादप। ये इस प्रकार के पादप हैं जिनका प्लांट्स का कुछ भाग तो जल के अंदर डूबा हुआ रहता है तथा कुछ भाग ऊपर जल से, जल की सतह पर तैरता है। जैसे सिंघाड़ा, इसका एग्जाम्पल है सिंघाड़ा। देखो सिंघाड़ा आपने लगभग सभी ने देखा है, सिंघाड़ा एक इस प्रकार का प्लांट्स है कि इस प्लांट्स की जो जड़ें वाली, जो जड़ वाला जो भाग होता है, वैसे जलीय जो पादप हैं जलोद्भिद पादप हैं, इन जलोद्भिद पादपों में जड़ें या तो अल्प विकसित होती हैं या फिर अनुपस्थित होती हैं। तो जलोद्भिद पादपों में जड़ें या तो अनुपस्थित होती हैं या फिर उनमें जड़ें जो हैं अल्प विकसित होती हैं। अब इसमें जल स्थलीय जलोद्भिद तीसरा भाग है, जल स्थलीय
जलोद्भिद पादप, इसका एग्जांपल है मार्सीलिया। ये जल स्थलीय जलोद्भिद, ये इनका कुछ भाग जल में तथा कुछ भाग स्थल में, अर्थात इनकी जो जड़ें वगैरह तने का जो निचला वाला जो भाग है वो मृदा में भूमि में पाया जाता है, जैसे सिंघाड़ा भी है इसमें, सॉरी कमल। तो जलोद्भिद पादपों को अपन ने मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में डिवाइड किया है। जलोद्भिद पादप, वे पादप जो जल की अधिकता वाले या जली में पाए जाने वाले जो पादप हैं वो कहलाते हैं जलोद्भिद पादप। इसका अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं हाइड्रिला, निम्फिया और कुछ अन्य जो जलीय पादप हैं। इन जलीय पादपों को भी अपन तीन भागों में डिवाइड करते हैं। निमग्न जलोद्भिद पादप, निमग्न का मतलब है जो डूबे हुए जल में पूर्ण रूप से डूबे हुए जो पादप हैं वो निमग्न जलोद्भिद पादप कहलाते हैं, जैसे हाइड्रिला। हाइड्रिला जल में पूर्ण रूप से डूबा हुआ होता है और उसी के अंदर वो अपनी सारी क्रियाएं संपन्न कर लेता है। प्लावन जलोद्भिद, ये जल की सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं, जैसे सिंघाड़ा। ये इनका कुछ भाग जल में और कुछ भाग जल की सतह पर तैरता हुआ, पत्ती वगैरह जो होती हैं वो जल की सतह को पर तैरती हुई अवस्था में होती हैं, इसका उदाहरण है सिंघाड़ा। तीसरा जल स्थलीय जलोद्भिद पादप मार्सीलिया, इसका एग्जाम्पल है। इनका कुछ भाग स्थलीय अर्थात मृदा में इनकी जड़ें वगैरह होती हैं और कुछ भाग इनका जल में स्थित होता है, इसलिए ये कहलाते हैं जल स्थलीय जलोद्भिद पादप। अब अपना जो नेक्स्ट इसका टाइप्स है वो है जीरोफाइटिक प्लांट्स, मरुद्भिद पादप। दूसरा टाइप है मरुद्भिद पादप, जीरोफाइटिक प्लांट्स। देखो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं मरुद्भिद पादप, ये इस प्रकार के पादप जो मरुस्थलीय रेगिस्तानी प्रदेशों में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो जीरोफाइटिक या मरुस्थलीय पादप कहलाते हैं। इसमें कैक्टस है, कैर है, थोर है, आक है, ये इस प्रकार के प्लांट्स हैं जो मरुस्थलीय रेगिस्तानी, खेजड़ी है जो अपना राज्य वृक्ष है। अब देखो मरुस्थलीय जो प्लांट्स हैं उन मरुस्थलीय प्लांट्स की भी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं जिसके कारण वो अपना जीवन यापन मरुस्थल में कर लेते हैं। तो मरुद्भिद पादप जो हैं, मरुस्थलीय जो पादप हैं, ये एक तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि में अधिक गहराई तक डाली जाती हैं, इनमें मूसला मूल जो होती है, मूसला मूल वो अधिक सक्रिय होती है, जो भूमि में अधिक गहराई तक नीचे भूमि के अंदर पहुंच जाती है, जिससे वो उस मिट्टी में से नमी को अवशोषित करके और प्लांट्स को जल की आपूर्ति कर लेती है, क्योंकि इनमें मूसला मूल ज़्यादा अधिक सक्रिय होती है और यह मृदा में से नमी को अवशोषित करके प्लांट्स की जल आपूर्ति कर देती है। और भी इनके कुछ कई कैरेक्टर्स हैं, जैसे मरुद्भिद प्लांट्स जो हैं इनकी पत्तियां छोटी, इनकी जो पत्तियां होती हैं वो छोटी या पत्तियां अनुपस्थित होती हैं, पत्तियां एक समय के बाद कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे कैर है, कैर में पत्तियां अनुपस्थित होती हैं और उनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे पादपों में वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेशों में जलाभाव की उपस्थिति में, जलाभाव होने के कारण वो अपनी जलापूर्ति इतनी नहीं कर पाते जिससे वाष्पोत्सर्जन को सहन कर सकें, इसलिए उनकी पत्तियां या तो बहुत छोटी होती हैं जैसे खेजड़ी,
अब इन खेजड़ी की पत्तियां जो छोटी होती है, जितनी पत्तियां छोटी होंगी, पत्तियां कम होंगी तो उतना ही वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल हानि कम होगी, जिससे पानी की कम आवश्यकता होती है। जैसे आक है, आक की पत्तियां चौड़ी होती हैं, पर इनकी पत्तियों के ऊपर एक मोम सदृश लेयर पाई जाती है, जिसके कारण इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप है तीसरा, समोद्भिद। मेसोफाइटिक प्लांट्स समोद्भिद पादप। अब इन समोद्भिद पादप में ये इस प्रकार के प्लांट्स हैं, इस प्रकार के पादप हैं जो सम आवास में पाए जाते हैं, जो सभी प्रकार के ऋतुओं वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा, इस प्रकार की जलवायु जहाँ होती है वहाँ पर ये समोद्भिद पादप पाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ राजस्थान में, अपने अलवर जिले में, यहाँ लगभग समोद्भिद वाता पादप पाए जाते हैं, सम आवास होता है, यहाँ सर्दी, गर्मी और वर्षा लगभग सभी प्रकार की जलवायु में पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ सभी प्रकार के अपने जो समोद्भिद प्लांट्स हैं, समोद्भिद पादप पाए जाते हैं, जिसमें नीम है, पीपल है, बरगद है, अशोक है। अब देखो अशोक ये एक ठंडी जलवायु का प्लांट्स है, बाकी फिर भी अपने यहाँ सम आवास होने के कारण, सम जलवायु होने के कारण अपने यहाँ पर अशोक के पादप भी आसानी से पाए जाते हैं। नीम के प्लांट्स हैं, पीपल है, बरगद है, ये इस प्रकार के प्लांट्स हैं। ये ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में भी नहीं पाए जाते और ज़्यादा जो रेगिस्तानी प्रदेश हैं उनमें भी ये नहीं पाए जाते, क्योंकि इनको सम आवास की ज़रूरत होती है, सभी प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के प्रदेशों की जलवायु में वाले क्षेत्रों में ये अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो समोद्भिद पादप। अब एक नेक्स्ट और लास्ट आवास के आधार पर अपन ने जो प्लांट्स डिवाइड किए, जो चौथा है और वो है शीतोद्भिद। ये इस प्रकार के पादप शीत आवास या टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है वहाँ पर ये प्लांट्स पाए जाते हैं। अब शीत आवास में जो प्लांट्स पाए जाएंगे उनकी एक विशेष खासियत होती है कि उनकी जो ऊपर की स्ट्रक्चर, ऊपर की जो बनावट होती है लगभग शंकुनुमा होती है। शीत आवास में जो पादप पाए जाएं, उन शीत आवास में पाए जाने वाले पादपों की ऊपर से जो प्लांट्स हैं वो इस तरह से ढालूनुमा होते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, इनकी पत्तियों पर जल की बूंदें, ओस की जो बूंदें होती हैं वो न रुकें, क्योंकि जैसे ही शंकुनुमा जो आकृति होती है, ये शंकुनुमा आकृति अशोक इसमें मुख्य रूप से हैं, जो ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जलवायु में ये शीतोद्भिद पादप, तो इस प्रकार से ठंडे प्रदेशों में शीत आवास में जो प्लांट्स पाए जाएं, उनमें उनकी कुछ विशेष खासियत ये होती है कि उनकी एक तो जो प्लांट स्ट्रक्चर होती है, पादप जो संरचना है वो शंकुनुमा होती है, और शंकुनुमा आकृति होने के कारण ये उनकी पत्तियां ढालूनुमा होती हैं। जैसे अशोक के पादप की पत्तियां अपन ने देखी हैं, उन अशोक के पाद की पत्तियां इस तरह से ढालूनुमा होती हैं, क्योंकि उनकी पत्तियों की सतह पर जल की बूंदें न रुकें, क्योंकि जैसे ही जल की बूंदें रुकती हैं तो रात के समय जैसे टेम्परेचर कम होता है तो उस टेम्परेचर पर बर्फ उन पादप की पत्तियों पर जमा हो जाती है, जिससे पादप की पत्तियाँ नष्ट हो जाएँ। तो इस प्रकार से
अपन ने आवास के आधार पर प्लांट्स को मुख्य रूप से चार भागों में डिवाइड किया, जलोद्भिद, नंबर एक जलोद्भिद, दूसरा था मरुद्भिद, तीसरा था समोद्भिद और चौथा है शीतोद्भिद। तो इस प्रकार से आवास के आधार पर प्लांट्स को चार भागों में डिवाइड किया गया। ये चारों भाग पादप के आवास के आधार पर इनका डिवाइडेशन है, जिनमें अपन ने एक एक का एग्जाम्पल सहित उदाहरण सहित बताया कि जलोद्भिद पादप जलीय आवास में पाए जाने वाले पादप, मरुद्भिद मरुस्थलीय या रेगिस्तानी प्रदेशों में पाए जाने वाले पादप, समोद्भिद सम आवास में पाए जाने वाले, जैसे अपने यहाँ की जलवायु लगभग सम जलवायु है और इस प्रकार की जलवायु में पादप जो पाए जाते हैं वो समोद्भिद पादप कहलाते हैं, और शीतोद्भिद पादप ठंडे प्रदेश या टुंड्रा प्रदेशों में जो ठंडी जलवायु में जो प्लांट्स पाए जाएँ ये कहलाते हैं शीतोद्भिद पादप। तो इस प्रकार से ये एक प्रश्न अच्छा बड़ा मोस्ट प्रश्न है, आवास के आधार पर पादपों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है समझाई है। तो ये एग्जाम्पल सहित इस चार भागों में डिवाइडेशन इसका दिखाना है। आगे अपन जो नेक्स्ट है इसका डिवाइडेशन पढ़ेंगे वो मृदा की प्रकृति और जल की आवश्यकता के अनुरूप या भोजन की आवश्यकता के अनुरूप पादपों का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो नेक्स्ट अगली वीडियो में।